ऊंच नीच का मानेगा। हम तो कभी कोई जाति माने ही नहीं हमारे मन में। ये तो मैं राजनीति में जब आया तब हमको मालूम पड़ा कि साला जाति भी है, समझेगी नहीं। अच्छा, हम अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं जी। जैसे आपने युवाओं का अब बात छिड़ ही गया है, तो प्रतापगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है युवाओं में बेरोजगारी, तो इसके पीछे आप किसको दोषी मानते हैं? इसके पीछे हम दोषी मानते हैं प्रतापगढ़ के नेताओं, फैक्ट्री की हो रही, रोजगार की हो रही है। तो आपके नजरिए में प्रतापगढ़ का विकास कैसा होना चाहिए, क्या बदलाव करने चाहिए? देखिए, प्रतापगढ़ को हर सरकार ने मंत्री दिया है जी, ठीक है। बहुत बड़े नेता अपने आप को कहते हैं कि हम 50 साल से मैं बहुत विकास पुरुष हूं। तो आपके अड्डा के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं उन्हीं नेता से कि आज तक उन्होंने ऐसा कोई प्रतापगढ़ के लिए काम नहीं किया है। मोहित तिवारी जी के बारे में बोल रहा हूं जी। हम राजा भैया से पूछना चाहता हूं, उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया प्रतापगढ़ के लिए? भाई, वो अपने कुंडा तक सीमित रहते हैं जी। भाई, धीरज ओझा तो बेचारे वो बहुत बड़े नेता तो है नहीं जी। भाई, जनता ने उनको एक बार मौका दिया, जनता ने एक बार मौका दिया और उसके बाद उन्होंने अपने ही लोगों पे मुकदमा डालना शुरू कर दिया है अपने प्रतापगढ़ के। आप देखते होंगे युवा इस समय राजनीति की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, क्या उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है, राजनीति में सफलता का परसेंटेज बहुत कम है। जैसे निजी जीवन में हर व्यक्ति का अपना कुछ शौक होता है, तो संगम जी का क्या शौक है, क्या हॉबी रखते हैं संगम जी? देखिए, हमने देखिए, मैं 6 साल की उम्र से आज तक हमें एक एक बात याद है जी। 6 साल की उम्र से? 6 साल की उम्र से जी, आज एक एक बात हमें याद है। तो हम सबसे पहला विश्वास तो अपने कर्म में करते हैं जी, और हम अपने जीवन में व्यस्त रहे, क्योंकि जब व्यक्ति व्यस्त होता है तो उसके दिमाग में निगेटिव वातावरण तैयार नहीं हो पाते हैं जी। बिल्कुल, तो मेरा पहला लक्ष्य होता है कि मैं अपने जीवन में व्यस्त रहूं, क्योंकि हम 6 साल की उम्र से आज तक कभी आराम ही नहीं किए हैं, तो हमको बड़ा शौक किस बात की? शौक तो इंसान जब आराम करता है तो भाई, हमारा जॉइंट परिवार है, हमारे 3 भाई हैं, उनके बच्चे हैं, हम सब साथ में रहते हैं, वो सुखी का अनुभूति हमें होती है कि परिवार एक में रहने से सुख क्या होता है। मतलब जिम्मेदारियों ने आपसे आपके शौक छीन लिए, मतलब आपने कोई शौक जी। जीवन मनुष्य का अनमोल होता है जी, और इस अनमोल जीवन को, क्योंकि जितना जन्म लेना सत्य है उतना ही मरना भी सत्य है, मगर जन्म को तो आदमी खुशी मनाता है, मगर उसको ये नहीं मालूम है कि जन्म का डेट, दिन 9 महीना, जन्म का दिन निश्चित है कि 9 महीने में जन्म लेगा, मगर मौत का कोई दिन निश्चित नहीं है जी। बिल्कुल, मगर व्यक्ति सपने हजारों साल के सजा के रखता है जी, लोगों को धोखा देगा, लोगों को फ्रॉड करेगा, लोगों को नीचा दिखाएगा, जाति का ऊंच नीच का मानेगा। हम तो कभी कोई जाति ही माने ही नहीं हमारे मन में। ये तो मैं राजनीति में जब आया तब हमको मालूम पड़ा कि साला जाति भी है, समझेगी नहीं। अच्छा, हम अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं जी, क्योंकि मैं धर्म से जुड़ा हूँ। हम क्षत्रिय मानते हैं क्योंकि मैं वसूल का पक्का हूँ जी, और जन्म से तो पिछड़ी जात में हम जन्म लिए हैं जी। जी, मतलब आपकी बातें समझ में आ रही हैं। जैसे युवा हैं अपने प्रतापगढ़ के, आप देखते होंगे युवा इस समय राजनीति की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, क्या उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है, राजनीति में सफलता का परसेंटेज बहुत कम है। राजनीति में सफलता का परसेंटेज बहुत कम है जी।
इसके लिए मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपना करियर बनाना हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि अगर हम राजनीति की तरफ चले गए जी और हम उसमें सफल नहीं हो पाए जी, तो हमारा बचा हुआ जो जीवन है वो अंधकारमय हो जाता है जी। इसके लिए पहले हम अपने करियर को एक सफल व्यक्ति बनाए, फिर हम राजनीति में कदम रखें। देखिए, क्योंकि राजनीति में हर पल पे खर्चा है जी, ठीक है, सफल राजनीति करना है तो हर पल पे खर्चा है। उसके लिए अगर परिवार में व्यवस्था है खर्चा करने की तो राजनीति में जाना चाहिए, उसके माध्यम से सेवा करना चाहिए जी। बिल्कुल, जैसे आपने युवाओं का बात छिड़ ही गया है, तो प्रतापगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है युवाओं में बेरोजगारी, तो इसके पीछे आप किसको दोषी मानते हैं? इसके पीछे हम दोषी मानते हैं प्रतापगढ़ के नेताओं का जी, ठीक है। इतने बड़े बड़े नेता प्रतापगढ़ में हुए, ठीक है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एक नेता प्रतापगढ़ में जन्मे जिसका नाम राजा दिनेश सिंह, उनको मैं धन्यवाद दूंगा जी, क्योंकि उन्होंने प्रतापगढ़ के बारे में सोचा था तभी जाके ट्रैक्टर फैक्ट्री की स्थापना कराई थी। आज अगर वो ट्रैक्टर फैक्ट्री होती थी तो शायद प्रतापगढ़ अपने आप में अगल बगल के जिलों से बहुत ही डेवलप प्रतापगढ़ होता, मगर यहाँ के नेताओं ने प्रतापगढ़ को उद्योग विहीन बना दिया जी, ट्रैक्टर फैक्ट्री बंद हो गई। मेरा राजनीति में आने का वो भी एक बड़ा लक्ष्य था, क्योंकि मैं जब यहाँ था तो एटीएल फैक्ट्री जी, एटीएल फैक्ट्री में हम राशन पहुंचाने जाते थे, जब बंद हुआ तभी हम बंबई चले गए, तो मेरा राजनीति में आने का वो भी एक बड़ा लक्ष्य था, मगर वो लक्ष्य को मैंने पूरा किया कि उस जमीन को हमने हाई कोर्ट लिक्विडेटर से छुड़ाया, उसको हमने जमीन को 150 बीघे जमीन हमने गवर्नमेंट को हैंडओवर कराया, 80 करोड़ बकाया हमने जमा कराया। आज ट्रैक्टर फैक्ट्री की सारी जमीन यूपीएसआईडीसी को मैंने हैंडओवर करा दिया है। हमने 1000 करोड़ रुपए का एमओयू कराया है 3 बड़ी कंपनियों के साथ, मगर हमारा दुर्भाग्य था कि शायद जनता के बातों पे मैं खरा नहीं उतर पाया, जनता ने हमको नहीं अपना आशीर्वाद दिया। जिनको आशीर्वाद दिया उन्होंने कहा कि हम हर गांव गांव फैक्ट्री लगा देंगे जी, तो मैं बोला और अच्छी बात है, तो भाई हम इतनी बड़ी फैक्ट्री जी जमीन क्लियर करा दिया और जिसको जनता ने अपना स्नेह दिया है वो हर गांव में फैक्ट्री लगा देंगे, तो मैंने सोचा कि भाई उनका स्वागत है, कम से कम हमारा प्रतापगढ़ सुधर और समर्थ हो जाए, हर गांव गांव फैक्ट्री लग जाए। जब बात विकास की हो रही है, फैक्ट्री की हो रही है, रोजगार की हो रही है, तो आपके नजरिए में प्रतापगढ़ का विकास कैसा होना चाहिए, क्या बदलाव करने चाहिए? देखिए, प्रतापगढ़ को हर सरकार ने मंत्री दिया है जी, ठीक है, भारत सरकार ने भी मंत्री दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मंत्री दिया है, और एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है, जनता अपना मत अधिकार नेता को सौंपती है, ठीक है, और सदन में बैठने का अधिकार देती है, चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा हो और चाहे दिल्ली का लोकसभा हो, जनता के मतों के अधिकार की बदौलत वहां के जाकर नेता बैठता है, तो उसका दायित्व होता है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर रात और दिन प्रयत्न करना, क्योंकि नेता जनता का नौकर होता है।
सर, जैसे आपने बात कर दिया जनप्रतिनिधि का, तो क्या ये बात कहना सही रहेगा कि यहाँ की जो व्यवस्था थी प्रतापगढ़ की, जो व्यवस्था है वो व्यवस्था प्रतापगढ़ को नहीं मिल पाई, विकास नहीं मिल पाया, तो यहाँ के नेताओं ने सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहा? देखिए क्या होता है कि अगर हम गरीबों को उत्साहित कर देंगे, उनको जगा देंगे, वो संपन्न हो जाएंगे, विकसित हो जाएगा, हर गली मोहल्ले में साधन हो जाएंगे, प्रतापगढ़ में एयरपोर्ट हो जाए, प्रतापगढ़ में बड़े उद्योग स्थापित हो जाए, तो हर छोटा और मध्यम वर्ग का आदमी अपने आप में संपन्न हो जाएगा, और जब संपन्न हो जाएगा तो किसी की गुलामी नहीं करेगा जी, जागरूक हो जाएगा। इसके लिए भी डरते हैं ना लोग, इनको जागरूक नहीं बनाना है, इनको गुलाम ही बना के रखना है, क्योंकि ये जागरूक हो जाएंगे तो फिर हमारे यहां दरबार नहीं करेंगे। इसके लिए इनको गुलाम बना के रखो, विकसित नहीं बनाना है। एक अपने आप को बहुत बड़े नेता अपने आप को कहते हैं कि हम 50 साल से मैं बहुत विकास पुरुष हूं, तो आपके अड्डा के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं उन्हीं नेता से कि आज तक उन्होंने ऐसा कोई प्रतापगढ़ के लिए काम नहीं किया है। अभी हमने 52 किलोमीटर का रोड 1400 करोड़ रुपए का भारत सरकार से लड़ के झगड़ के रोके लाया जी, एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू हुआ, लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू हुआ, नोटिफिकेशन हो गया, और अभी हाल ही में एक हफ्ता पहले उन्होंने सदन में वक्तव्य दिया कि ये 52 किलोमीटर बाईपास की जरूरत नहीं है, इसको कैंसिल कर दिया जाए। अब आप सोचिए कि उस रोड को निकलने से, जिस जगह से वो रोड निकलता, जहां से नोटिफिकेशन हुआ था, ऐसे नेताओं की मानसिकता पर आप क्या कहेंगे, जिले की जनता क्या कहेगी कि जहां से वो रोड निकलता तो रोड लोगों लोग उधर से उनको 4 गुना मुआवजा मिलता जी, और वहां अपनी दुकानें खोलते, होटलें खोलते, पेट्रोल पंप खोलते, गांव के लोग मेन रोड पे आ जाते, विकास होता, तो व्यवसाय बढ़ता, आमदनी बढ़ती, लोगों का विकास होता। अब आप सोच लीजिए ऐसे ही नेता है प्रतापगढ़ में। अच्छा, प्रतापगढ़ के जब नेता हम समझना चाहेंगे, डायरेक्टली आप नहीं बोल रहे हैं मुझे पता है, लेकिन जैसे आप राजनेता के बारे में बात, हम डायरेक्टली भी बोल देंगे जी। नहीं, अरे जो अपने आप को 50 साल का नेता कहता है कि मैं विकास पुरुष हूँ, हम माननीय प्रमोद तिवारी जी के बारे में बोल रहा हूँ जी, डायरेक्ट उसमें बोलने की कौन सी बात है जी। बिल्कुल, आप डायरेक्ट बोल रहे हैं, अच्छा लगा। हर नेता के बारे में नाम लेके बोल दूं, हम राजा भैया से पूछना चाहता हूं उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया प्रतापगढ़ के लिए, उनसे ही पूछता हूं जी। मैं माननीय मंत्री जितने हुए यहां से उनसे भी पूछता हूं कि ऐसा कौन सा काम उन्होंने कर दिया जो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, प्रतापगढ़ के विकास के लिए ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया। एक काम बता देवे आपके अड्डा पे, बता देवे कि ऐसा काम हमने कर दिया है, उससे प्रतापगढ़ हमारा सुख समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है जी। बिल्कुल, तो इसी कड़ी में एक सवाल और पूछना चाहूंगा। विकास की ही बात हो रही है तो आप जानते हैं प्रतापगढ़ का औला ये यहाँ की धरोहर है, लेकिन उसे ये जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये चला आपके इस पार्टी द्वारा चलाई गई, आपने भी काफी प्रयास किया हमारे सुनने में आया, जैसे हम लोग भी आपसे मिलते हैं। भैया मैं फिर आपको बता रहा हूं कि कोई भी बाहर का बड़ा उद्योगपति, कोई भी बड़ा व्यवसाय आएगा किसके माध्यम से, जो प्रतापगढ़ के बड़े नेता हैं, क्योंकि उसको चाहिए संरक्षण, उसको चाहिए यहाँ उद्योग स्थापित करने के लिए मदद जी, तो कौन करेगा, करेगा कौन, नेता करेगा ना जी। जितने भी प्रदेश में जो जिला विकसित हुआ होगा वहां क्या जनता ने विकसित किया है, तो नेता ही ने विकसित किया है। अगर गोरखपुर विकसित हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, अयोध्या विकसित, तो नेताओं का रोल होता है ना, क्योंकि सरकार से मांग वही करते हैं
सदन में और लोकसभा में वही बैठते हैं। जनता तो बिचारी अपना अधिकार दे दिए जी। तो अभी जैसे हमारे वर्तमान सांसद जी ने कहा कि साला हम प्रतापगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाएंगे जी। हम लखनऊ के मॉडल पे हम यहाँ विद्यालय बनाएंगे जिसमें हम बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएंगे। अब बोलने का तो बोल दिया है, अब जब वो धरातल पे बन जाए कल वो कहेंगे कि भाई हमारी सरकार नहीं है जी, उससे कोई मतलब तो है नहीं भैया, ऐसा तो है नहीं भैया। आपको विद्यालय बनाना है, यूनिवर्सिटी बनाना है, उससे सरकार से मतलब नहीं है। आपको विकास करना है, हर गली में उद्योग डालना है, उद्योग तो सरकार डालती नहीं, उद्योग तो व्यापारी डालता है, तो व्यापारी को लाओ। जब राजनेता की बात ही चल रही है तो जैसे कुछ राजनेताओं का नाम लेना चाहेंगे, बस आपको उन पे अपना विचार व्यक्त करना है। तो राजा भैया प्रतापगढ़ के एक बड़े नेता हैं, हाँ, उन पे आप क्या विचार रखते हैं? भाई वो अपने कुंडा तक सीमित रहते हैं जी। प्रतापगढ़ जिले के बारे में तो उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे उनकी तारीफ हो। प्रमोद तिवारी अपने रामपुर खास तक सीमित है, उन्होंने प्रतापगढ़ के विकास के लिए ऐसा कोई बड़ा काम कर दिया, उनकी तारीफ की जाए। धीरज ओझा, भाई धीरज ओझा तो बेचारे वो बहुत बड़े नेता तो है नहीं जी। भाई जनता ने उनको एक बार मौका दिया, जनता ने एक बार मौका दिया और उसके बाद उन्होंने अपने ही लोगों पे मुकदमा डालना शुरू कर दिया। आपके अपोजिशन में इस बार एसपी पटेल जी थे, हाँ, उनके बारे में क्या विचार रखते हैं? भाई मैं तो वही बताया आपको कि भाई उन्होंने कहा है कि प्रतापगढ़ को मैं बिल्कुल खुशहाल बना दूंगा, प्रतापगढ़ को बेरोजगारी से मुक्त कर दूंगा, हर गली मोहल्ले में बड़े बड़े रोजगार स्थापित कर दूंगा, प्रतापगढ़ को शिक्षा की दृष्टि से हर विधानसभाओं में लखनऊ मॉडल जैसे स्कूल की स्थापना कराऊंगा और यूनिवर्सिटी की भी स्थापना कराऊंगा। तो स्वागत है उनको, हमारी जहां आवश्यकता पड़े वो हमको बताएं, हम उनकी मदद करेंगे। अगर ऐसा उनका सोचना है कि प्रतापगढ़ को एक सुंदर और विकसित प्रतापगढ़ बनाएंगे तो बहुत बड़ी शुभकामना है। जब प्रमोद तिवारी जी की बात होती है तो एक घटना सामने आई थी, आप उनके क्षेत्र में गए थे और वहां से एक वीडियो सामने आया था जहां पे झड़प देखा गया था वीडियो में, क्या प्रभाव डालता है ये आपके राजनीतिक करियर पर? कोई प्रभाव नहीं। अगर हम वहां से भाग के चले जाते तो कल कहते कि हमने तो भगा दिया, जिसे कहते हैं कि हमने गोपाल जी को भगा दिया, हमने विधायक आए थे चुनाव लड़ने उनको भगा दिया। तो संगम लाल गुप्ता ना किसी से डरा है और ना डरने वाला है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ता हूं और लड़ते रहता हूं उनको समर्थन में। देखिए हमने राजनीति में दो काम नहीं किया है जी, हमने किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई फर्जी मुकदमा दर्ज नहीं कराया है, हमने किसी का जमीन नहीं हड़पाया है, हमने किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया, हमने सिर्फ अपने दायित्व का पूरी ईमानदारी से विकास के लिए निर्वाह किया है जी। आपने शुरू से ही एक पार्टी का हाथ पकड़ा और आप विधायक भी बने, सांसद बने, आपको भाजपा क्यों पसंद है? देखिए विचारधारा है जी, विचारधारा है, हम सनातन से जुड़े हैं जी, तो हम एक राजनीति का एक विचारधारा भी होता है ना। मैं भी आपको क्या बताया, राजनीति हमारे लिए सेवा है जी, राजनीति हमारे लिए व्यवसाय नहीं है। एक सवाल और पूछना चाहेंगे इसी कड़ी में सर, जैसे देखा गया कि हमारे बगल का ही प्रयागराज है और उसे स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया, और वहीं हमारा प्रतापगढ़, जैसे ने आपने बताया भी कि यहाँ के राजनेताओं में वो सशक्त नहीं थे, उतने सशक्त नहीं थे विकास नहीं, करने के लिए, विकास करने के लिए है जी, अपना अपना जिले का नहीं, बाकी के प्रदेशों में, बाकी के जिलों में जिले के बारे में सोचते हैं। विकास कौन करेगा भाई, आप बताइए हमको, जनता करेगी जी? जनता तो खुद ले आती है आप सबको, तो करेगा कौन जी? करेगा तो जनप्रतिनिधि ना, बदलाव और परिवर्तन तो वही करेगा ना। इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे कि प्रतापगढ़ को कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए उस पे आप क्या विचार रखते हैं, और अगर आप बतौर सांसद फिर से आते हैं भविष्य में तो आप क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे? देखिए
हम प्रतापगढ़ को पहली इसी कार्यकाल में अगर हम हुए होते जी, इस प्रतापगढ़ को हम नगर निगम बना देते, ठीक है। प्रतापगढ़ को चारों तरफ से कॉरिडोर रिंग रोड में तब्दील कर दिए होते, जो कि सेंशन करा दिया हो, ऐसा भी नहीं है। विश्वनाथगंज शनिदेव धाम, माँ बाराही देवी धाम, बाबा बिलखरनाथ धाम होते हुए मकूनपुर चौराहा, ठीक है जी, वहां पर जाकर 40 किलोमीटर का रिंग रोड माननीय नितिन गडकरी जी ने घोषणा किया, प्रोसेस में है। हमने गोड़े से लेकर सुप्पान नगर और सुप्पान नगर से राजगढ़ 22 किलोमीटर बाईपास जो बन रहा है जी, आप देख रहे हैं प्रगति पे है बिल्कुल। तो प्रयागराज के पास रिंग रोड नहीं है, हम प्रतापगढ़ को रिंग रोड सेंशन करा दिए, शहर को सीसी रोड सेंशन हुए हैं सब जी, और प्रतापगढ़ को हम इस बार नगर निगम बना दिए होते, नगर निगम, क्योंकि जब नगर निगम बनता है तो भारत सरकार से हर साल 25 करोड़ रुपए विकास के लिए आता जी, मगर जनता का इसलिए नहीं मिल पाया, नेताओं को लगा कि ये आदमी जो आया है ये प्रतापगढ़ बदलेगा और सबकी राजनीति खत्म कर देगा, ऐसे उनके मन में ख्याल आ गया। तो सब लोग मिलकर कि भाई संगम को रोको, तो हमको तो उससे कोई फर्क नहीं। अच्छा, एक राजनेता के जीवन में अक्सर देखा गया है कि कुछ विरोधी उसके ही इर्द गिर्द ही रहते हैं, तो आपके साथ के कुछ ऐसे ही लोग होंगे जिन्होंने आपका विरोध किया होगा? देखो, हम तो कभी उस नजरिए से देखा ही नहीं ना जी। जो विरोध किए उनका भी स्वागत है, जो नहीं किए उनका भी स्वागत है जी। हमने तो आज तक इस तरीके से अपने मन में कभी भाव नहीं लाया, हम पार्टी के लिए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, और जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी का है और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए विरोध करता है तो वो अपनी माँ के साथ धोखा करता है। अगर किसी ने विरोध किया होगा तो अपनी माँ के साथ धोखा किया होगा। यानी कि जो विरोध किए हैं आपके जानकारी में है? नहीं, हमारी जानकारी में क्या है भाई, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जो जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसको अपनी माँ मानता है तो कभी ऐसा निगेटिव काम कर ही नहीं सकता है, और जो नहीं मानता है वो कुछ भी करता है। एक कार्य जो आपने अपने कार्यकाल के दौरान किया, एक जनसेवा के मतलब एक जनसेवा का जो पहचान होता है, लॉकडाउन के समय आपने काफी युवाओं को प्रतापगढ़ वापस भेजा। अच्छा, इस कार्य को करने में कुछ कठिनाइयां आपको देखनी होंगी? देखिए, हर कार्य करने में कठिनाइयां होती हैं जी। भाई आप हमको बताओ, आप मेरी बात को पूरा नोट करो जी, और इसको जाके एक घंटे तक बहन करना जी। बिल्कुल, ऐसा कोई एक सांसद यहाँ बता दीजिए जो प्रतापगढ़ के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए भारत सरकार से लाया हो, एक सांसद का नाम हमको बता देना, ठीक है, और मेरा भी नाम नोट कर लो उसमें जी। बिल्कुल, 6,500 करोड़ रुपए हमने भारत सरकार से प्रतापगढ़ के विकास के लिए लाया हो 3 सालों के अंदर। एक एक चीज आप गिन सकते हैं जो हमने लाया है। अब जिसको जनता ने अपना स्नेह दिया है वो उसको पूरा कराए जी। और कितना ला सकते हैं और क्या बदल सकते हैं, अब मेरी तो अपेक्षा यही है कि हर विधानसभाओं में उद्योग स्थापित हो, हर विधानसभाओं में शिक्षा, जैसे उनका मॉडल स्कूल है लखनऊ का, ऐसे स्कूल एक एक बनावे, बराबर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी बनावे, क्योंकि चुनाव के समय उन्होंने जनता को बोला भी है। इसी के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने बहुत ही सरल तरीके से सारे सवालों का जवाब दिया।